हेलो एवरीवन, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। और डेफिनेटली आपको मेरे चैनल को भी एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे डालती हूँ, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। नाउ इन दिस वीडियो मैं बताऊँगी कि किस तरह से हम मूवीज़ू प्ले में अपने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बैड पे बिठा सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ लिटा सकते हैं। ये जो मूवीज़ू वीडियो है मैंने इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है मैसेजेस में भी और कमेंट सेक्शन में भी कि किस तरह से हम अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर को बिठा सकते हैं, आई मीन उसे लिटा सकते हैं राइट ऑन द बैड, तो किस तरह से हम कर सकते हैं उसे। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। ऑल राइट, नाउ हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पर्टिकुलर सीन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने डिफॉल्ट सीन लिया है, अभी ब्लैंक सीन है, बस हमारे पास एक कैमरा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैड बनाएंगे राइट। सो इसे कर देते हैं, बैड बनाते हैं, ऑल पे क्लिक करते हैं। एंड देन इस पे लिखते हैं बैड, ये रहा बैड राइट। कौन सा वाला चाहिए, डबल बैड और सिंगल बैड। नाउ ये हमारा पर्टिकुलर बैड है, इसको हम इधर से देख लेते हैं अच्छे से, हमें समझ आए कि कैसे है, तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बैक पे हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बनाएंगे डेफिनेटली, तो क्रिएट कैरेक्टर्स। लेकिन हाँ, उससे पहले मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कमेंट्स में भी, मैसेजेस में भी, कि प्लीज़ बताओ मूवीज़ू का कैरेक्टर, सॉरी मूवीज़ू का हम सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड करें, प्लीज़ बता दो, लिंक सेंड कर दो, सीरियल की सेंड कर दो। तो सबसे पहले प्लीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सीरियल कीज़ फॉर मूवीज़ू, मेरे पास सीरियल कीज़ नहीं है मूवीज़ू की। अगर आपको मूवीज़ू डाउनलोड करना है डेफिनेटली आपको movizoo.com से मूवीज़ू प्ले डाउनलोड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको पूरा फुल वर्जन चाहिए, मेरे पास सिर्फ मूवीज़ू प्ले है, मेरे पास मूवीज़ू प्ले प्लस नहीं है राइट, इसलिए ये सब लॉग्ड हैं इस वक्त, मेरे पास मूवीज़ू प्ले है। तो अगर आपको मूवीज़ू प्ले से ही काम चलाना है तो आप मूवीज़ू प्ले भी आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन आई थिंक वहाँ पे फुल वर्जन नहीं मिलेगा, मेरे पास मूवीज़ू प्ले का फुल वर्जन है। तो आपको उसको बाय भी कर सकते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं है वो, ठीक है। तो अगर आपको मूवीज़ू डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ movizoo.com से ही डाउनलोड करना, बिकॉज और बाकी के आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई और मूवीज़ अच्छे से दे सकता है। तो डेफिनेटली मूवीज़ू की ऑफिशियल साइट से ही आपको मूवीज़ू डाउनलोड कर लेना चाहिए। सबसे पहले वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, डेफिनेटली पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, देन वो आपके ईमेल पे राइट, जीमेल और याहू व्हाटएवर, तो उस पे एक्टिवेशन की, एक्टिवेशन कोड सेंड करेंगे। अगर एक्टिवेशन कोड आपको नहीं मिलता है तो डोंट वरी, आप किसी और ईमेल से, मतलब किसी और ईमेल से रजिस्टर कर सकते हैं। देन एक्टिवेशन की जो होती है वो कभी कभी स्पैम फोल्डर में मिलती है, अपने ईमेल के स्पैम फोल्डर में, या फिर कोई और अलग से फोल्डर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑल मेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, देन सारे के सारे फोल्डर्स एक साथ एक तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी हम देख सकते हैं, तो एक्टिवेशन कोड में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली आपको टाइम लगता है, ये नहीं कि एकदम से एक्टिवेशन कोड वो सेंड कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आपको एक ईमेल से एक्टिवेशन कोड बार बार करने से नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे ईमेल को भी चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हमारा कैरेक्टर है, इसको हम क्रिएट करते हैं। और मूवीज़ से रिलेटेड, ब्लेंडर से रिलेटेड डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। तो ये हमारा कैरेक्टर है, इसको थोड़ा वो पीछे कर लेते हैं, ओके, जिससे ढंग से समझ आए। ऑलराइट, नाउ इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ ढंग से समझ नहीं आएगा, यहाँ पे समझ आएगा कैमरे में कि हो क्या रहा है। ये इसको कैरेक्टर एक्शंस प्रोवाइड करवाने हैं, बट इसको पहले इसके ऊपर स्टैंड करना है यहाँ पे। उप्स, ये क्या हो रहा है, तो एक आइडिया है, इस पर क्लिक किया, या इस पर क्लिक करना है, देन इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है, इस बैड पे डबल क्लिक करना है, देन इसकी फिजिक्स सेट करनी है, इस बैड की फिजिक्स। तो इसमें लिख रहा है कैन बी स्टूड ऑन, मतलब कि क्या इसके ऊपर कोई खड़ा हो सकता है, यप हो सकता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर खड़ा करवाना है तो डेफिनेटली हम इसको फिजिक्स में कैन बी स्टूड ऑन को टिक करना है, अगर हमें नहीं करवाना है तो हम नहीं करेंगे। ओके, ये हमारा इसके ऊपर खड़ा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको इसको सुलाना है एक तरीके से हम कह सकते हैं राइट, इसमें देख सकते हैं, इसमें ढंग से दिख रहा है,
ओके देन इसको हम एक तरह से एक्शंस प्रोवाइड करवा रहे हैं. सो जस्ट गो टू दी प्रिपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक कैरेक्टर राइट एंड देन कैरेक्टर एक्शंस. नाउ इसमें स्टेट्स वगैरह कोई चेंज नहीं करनी है, जस्ट टाइप सॉरी जस्ट क्लिक हियर एंड देन यप ये हमारा पोज है बिकॉज हमें पोज देना है इसको. ओके इसमें देखो इसमें नहीं इसमें इस कैमरे में रैंडम नहीं चूज करना है बिकॉज रैंडम में इनमें से कोई सा भी आ जाता है तो हमें नहीं पता कि कौन सा आएगा राइट. तो हमें जो सा चूज करना है वो सिलेक्ट करेंगे इस पर क्लिक किया ये इस तरह से इस पर क्लिक किया ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड ये ओ माय गॉड क्या कर रहे हैं. अच्छा और ये नॉर्मली जैसे हम लेते हैं ओके देन ओ माय गॉड ओके. तो इनमें से जो सा भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं. दो अच्छे लगे तो दो कर सकते हैं, तीन अच्छे लगे तो तीन कर सकते हैं. तो कह सकते हैं हम एक तो ले लेते हैं लाइंग ऑन लेफ्ट साइड ये वाला ओके कर देते हैं. ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है देन इस पर क्लिक करते हैं दूसरे वाले पे एक्शंस पे एंड देन गो टू द पोज अगेन एंड देन यू कैन सी हमने ये वाला चूज किया था राइट. हमें अब चाहिए ये वाला सॉरी ये नहीं ये वाला ये ठीक है ना. ये भी ले सकते हैं कोई सा भी ले सकते हो. मैंने ये वाला ले लिया फिलहाल के लिए. हमने दो ही चूज कर लिए हैं. अब हम क्या करेंगे स्विच टू डायरेक्ट बिकॉज हमने प्रिपेयर कर लिया. अब हमें एक्शंस भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें रिकॉर्डिंग तो करनी है. ओके देन इसमें देखते हैं इस पर रिकॉर्ड करूंगी जोन सा हमें पोजीशन अच्छी लगनी है जोन सा हमें एक्शन अच्छा लग रहा है उसे सिलेक्ट करूंगी डेफिनेटली राइट. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ इस पर रिकॉर्ड किया तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है इसको करना है देन इसको करना है देन इसको करना है देन इसको करना है. ओके कुछ भी कर सकते हैं फिलहाल मैंने ऐसे कर लिया. तीन चार भी कर सकते हैं कि ये सीधे लेटा है इधर लेटा है इधर लेटा है परेशान है ये सोच रहा है कुछ. ओके कोई सी भी किसी भी तरह से हम बना सकते हैं फिलहाल मैंने ऐसे कर दिया है. ओके अब देखते हैं किस तरह से आता है हमारा. देखो वेरी गुड कितना इजी है राइट. ओके देन हमने ऐसे कर लिया. देन टूल पे भी जाके हम देख सकते हैं क्या चीज है एंड देन हम इसको हमें पता है मैंने बताया रखा है कि किस तरह से ऑडियो डालते हैं किस तरह से डायलॉग डालते हैं किस तरह से हम कैरेक्टर बनाते हैं किस तरह से हम सब कुछ करते हैं मूवीज में. मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं. अगर आपको मूवीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं. कोई अलग से एक्स्ट्रा सजेशन है वो भी बता सकते हैं मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी. और ब्लेंडर से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ बताइए. अगर आपको लगता है ब्लेंडर इज़ वेरी हार्ड टू यूज़ सो यू नो वॉट Nobody can say that Blender is hard to use because everything in this world is possible because learning never ends. Thank you so much for watching this video. Agar aapko ye video achhi lagi to please like this video and comment definitely. And I will see you next time. Bye.